नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका स्टडी डॉट कॉम के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि लिखा हुआ है मनोहर मालगांवकर के द्वारा। तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक एमरजेंसी ऑलवेज टू हिज, मतलब नानू काका का जब भी कोई भाषा से संबंधित प्रॉब्लम होता था, कोई आपातकाल होती थी, किसी से बात कर रहे हैं और उस समय हमारे हम लोगों के साथ भी यही चीज़ होती है कि हम लोग किसी से मान लो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं और जब कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई हम लोग कुछ डील करना चाहते हो और वो वर्ड हमारे ध्यान में ना आए तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मदर टोंग में, अपनी जो मातृभाषा है, जो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में है, उसी से बोल करके काम चला लेते हैं। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश के वर्ड बोल रहे हो, अगर नहीं आ रही है आपको आपको वर्ड याद, तो फिर आप क्या करते हो, हिंदी में उसको समझा देते हो। ठीक है, तो बस यही चीज़ था, उनके साथ भी जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती थी, भाषा से संबंधित कोई आपातकालीन स्थिति आती थी, वो भी अपना मदर टोंग में, अपनी मातृभाषा में बोलते थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नानू काका ने प्लान किया था मिलने का तो वो कौन थे, तो वो थे वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, नानू काका ने किससे मिलने का प्लानिंग किया था, वेलफेयर मिनिस्टर से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, डैश ओपेंड, किसने खोला हिज स्नफ बक्स, अपना स्नफ बक्स, स्नफ आप लोग समझते हो एक नशीली पदार्थ होती है। ठीक है, तो किसने अपना स्नफ का बॉक्स खोला एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, है ना, मतलब कि किसने स्नफ का मतलब बॉक्स खोल के वहां से एक पिंच किया, मतलब उसको सूंघा, तो ये कौन करते थे, एक ही व्यक्ति करते थे, नाम था उनका नानू काका। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज कमिंग टू विजिट नैरेटर्स फैमिली, जो नैरेटर है, नैरेटर कौन है इस चैप्टर के, लेखक कौन है इस चैप्टर के, लेखक है मनोहर मालगांवकर। तो उनके फैमिली को, नैरेटर के फैमिली को कौन विजिट करने आ रहा था, कौन घूमने आ रहा था, तो वो कोई और नहीं थे, नानू काका। माँ ने उनका अनाउंस किया, बताया कि नानू काका आ रहे हैं, जाओ जाके लेके आओ, बताया था ना, अगर आपने समरी पढ़ी होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, नानू काका दिल्ली से आ रहे थे किस लिए, टू सी सम, किससे मिलने आ रहे थे, यहाँ पे सी का अर्थ देखना नहीं है, मिलना है। तो नानू काका दिल्ली से आ रहे थे किससे मिलने के लिए, मिनिस्टर से मिलने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नानू काका टुक आउट हिज चेकबुक, नानू काका ने अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए अपना चेकबुक निकाला था एंड राइट अ चेक फॉर, कितने रुपए का चेक वहां लिखा था, 1000 रुपीज, 1000 का चेक उन्होंने साइन किया था। ठीक है, कब, जब वो धोबी को दे रहे थे पैसे, याद है। तो रति काका वाज द सॉन ऑफ, रति राम है, रति राम, ओके। अगला क्वेश्चन है, रति राम वाज द सॉन ऑफ, रति राम किसका बेटा था, तो ये था, इसके पिताजी का नाम था सोहन लाल रति राम। ऑब्जेक्टिव आप बस एक बार देख लोगे, याद हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि समरी में सारी की सारी बातें आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक बार आप ऑब्जेक्टिव देखोगे वैसे ही ऑप्शन मिलते ही आप मार लोगे। ठीक है, तो रति राम किसका बेटा था, सोहन लाल रति राम का। और मैं डायरेक्टली आपको आंसर इसलिए बताता हूँ कि फिर आपके सामने, आपके दिमाग में कोई गलती का चांस ही ना रहे, आप क्वेश्चन देखो डायरेक्टली बोलो कि यही आंसर होगा। ठीक है, आपको दूसरे ऑप्शन से मतलब ही ना। तो अगला क्वेश्चन है कि डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, कौन एक हास्य कहानी है, मतलब हंसाने वाला कौन सा है, तो हंसाने वाली स्टोरी कौन सी है, वो है अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, और ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक ह्यूमरस स्टोरी है, एक हंसाने वाली कहानी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाई, ये बातें, देयर वॉज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ये किनकी बातें हैं, तो ये बातें हैं नानू काका की, ओके। नेक्स्ट है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाई, पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिंपल सा आंसर है मनोहर मालगांवकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, जब नानू काका मंत्रियों से मिलने आए थे तो जोधपुर कोर्ट में जो मिनिस्टर थे उनसे कौन मिलने गया था, उनके पास कौन गया था, तो उनके पास नानू काका नहीं गए थे, वो गए थे मनोहर मालगांवकर। ठीक है, मतलब जो लेखक है वो खुद गए थे।
इसके बाद नेक्स्ट है नानू काका हैड टाइड, नानू काका बांधते थे, अयुग डैश टर्बन, टर्बन का मतलब पगड़ी होता है, तो किस तरीके की पगड़ी अपने सर पे बांधते थे वो, तो ऑरेंज बांधते थे, ठीक है ना। अब डायरेक्ट आंसर करने से होगा कि आपके दिमाग में सेट रहेगा कि ऑरेंज टर्बन बांधते थे, तो जब भी आपके सामने ये ऑप्शन आएगा आप डायरेक्टली, आपके पास सस्पिशन होगा ही नहीं, आप यही मार दोगे, ठीक है, ऑरेंज डायरेक्ट आप टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर माल गावंकर जो थे वो क्या थे, वो एक अंडर सेक्रेटरी थे, मतलब सेक्रेटरी के नीचे का, सचिव के नीचे का जो पद होता है अंडर सेक्रेटरी थे वो, ठीक है। इसके बाद नानू काका वाज नैरेटर्स, नानू काका जो थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस लगभग एग्जाम में आएंगे, इजी क्वेश्चन होंगे, तो नानू काका जो थे वो नैरेटर के क्या थे, मैटरनल अंकल थे, मैटरनल अंकल मामा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नब, अ पिंच ऑफ स्नब जो आपका चैप्टर है इसके मेन कैरेक्टर कौन है, मुख्य कौन है इसमें, मुख्य पात्र, तो वो कौन है, नानू काका, इन्हीं के अगल बगल तो पूरी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी, नानू काका के पास एक बड़ा यूनिक सा क्वालिटी था, क्या चीज का, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने का, बड़ा बढ़िया से झूठ बोलते थे भाई, ठीक है, तो उनके पास यूनिक क्वालिटी क्या थी। अब यूनिक का ऐसे मतलब अद्वितीय होता है, लेकिन ज्यादा हिंदी जानोगे तो फिर आप भूल जाओगे, यूनिक आप ऐसे ही बहुत बढ़िया से समझ लेते हो इंग्लिश में ही, तो फिर हिंदी जानने की क्या जरूरत है, तो जिस वर्ड को आप इंग्लिश में समझ लेते हो बस उसको इंग्लिश में ही समझो, उसके हिंदी के चक्कर में मत लगो, ओके। तो नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी थी, क्या, झूठ बोलने की, ठीक है। इसके बाद नानू काका हैज टू मीट, नानू काका को मिलना था अ मिनिस्टर इन द, एक मिनिस्टर से मिलना था, किस ब्लॉक में मिनिस्टर रहते थे, वो रहते थे नॉर्थ ब्लॉक में, ठीक है, किस ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नानू काका मैनेज टू ट्रैवल, नानू काका इतने चालाक थे, इतने सात्विक व्यक्ति थे कि उन्होंने थर्ड क्लास के टिकट पे, और टिकट ऑफ थर्ड क्लास के टिकट पे सेकेंड क्लास में सफ़र किया था। ट्रेन में अगर आपने देखा होगा क्लासेस होती हैं, थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास, एसी, बोगी, सब होता है ना, जनरल क्लास होता है, स्लीपर होता है, तो ये सब जो है उन्होंने थर्ड क्लास के टिकट पे सेकंड क्लास में सफ़र किया था, बड़ा सातिर व्यक्ति थे, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, नानू काका हैंडेड ओवर, नानू काका ने एक चेक दिया था किसको, अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़, 1000 रुपये का चेक दिया था, किसको दिया था, धोबी को, बस वो चेक नाम के लिए ही था, बाद में उनको उसको प्राइज दिए कितना रुपये आगे मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1000 रुपये का एक चेक दिया था किसको, धोबी को, किसने दिया था, नानू काका ने। इसके बाद है, नानू काका पोर्टेड हिमसेल्फ एज द, मतलब जब नानू काका मिनिस्टर से मिलने गए थे वहां पे, तो मिलने गए तो फिर वहां पे क्या हुआ कि एक आता है ना, कहीं पे आप बड़ी जगह पे जाओगे तो आपके सामने एक आता है विजिटिंग लिस्ट की, आप जो है कहाँ से आए हो, क्या आए हो, कौन हो, आप लिखो अपने बारे में, तो वहाँ पे नानू काका ने क्या लिखा था, वहाँ पे विजिटिंग बुक में लिखा था कि वो जो है हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ नाइनोर, वो उन्होंने लिखा था कि वो नाइनोर के महाराजा के क्या है, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर है, मतलब राजपुरोहित थे, ठीक है। ऐसा कोई ना राज था और ऐसा ना कोई राजा था, मतलब उन्होंने वैसे ही लिख दिया था कि वो नाइनोर के महाराजा के क्या है, राजपुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नानू काका वाज टू द, वेंट टू द, नानू काका किसके पास गए, वेंट टू द सिक्का ऑटो डीलर्स, किसके पास गए थे, सिक्का ऑटो डीलर्स, बुक में इसकी चर्चा की गई है, आप एक बार देख लेना बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका गेव द डैश, नानू काका ने क्या दिया, अ 2 रुपीज नोट एज अ रिवार्ड, किसको दिया, तो अभी मैंने बताया कि नानू काका ने चेक काट के दिया था धोबी को 1000 रुपये का, लेकिन जब उसकी ओरिजिनल जो रकम थी, ओरिजिनल उसको दिया था कितने रुपए, 2 रुपए, तो ये 2 रुपए किसको रिवार्ड के रूप में मिले थे, धोबी को, किसको, धोबी को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द, मतलब नानू काका को जब नानू काका ने बोला कि ठीक है, मंत्री जी बोले कि ठीक है मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, आप एड्रेस नोट करवा दीजिए कहाँ पे मिलना है, तो नानू काका ने जब एड्रेस नोट करवाया था
तो वहां पे उन्होंने एड्रेस अपना नहीं, एड्रेस जो दिया था उन्होंने नैरेटर के घर का दिया था, लेखक के घर का दिया था, ठीक है। ओके, तो नैरेटर का एड्रेस दिया था, नानू काका ने एड्रेस दिया था कहाँ का, नैरेटर के घर का। नेक्स्ट है अंगोछा। अंगोछा आप लोग समझते हो, जो रखा जाता है कंधे पे, ठीक है। तो अंगोछा वाज किप्ड बाई किसके, कौन रखते थे अंगोछा, तो अंगोछा नानू काका रखते थे, ठीक है। इसके बाद है द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, उनका पोर्टफोलियो क्या था, मतलब किस पद पे वो थे। तो मंत्री जो थे वो वेलफेयर वाले पद पे थे, ठीक है, वेलफेयर मिनिस्टर थे। कौन से मिनिस्टर थे, वेलफेयर मिनिस्टर, नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए थे। नेक्स्ट है मनोहर माल गावंकर्स मदर, मनोहर माल गावंकर की जो माँ थी उन्होंने समझाया, अस्यूड हिम, मनोहर माल गावंकर को समझाया, क्या समझाया, कि डैश वुड मैनेज एवरीथिंग, कौन जो है सब कुछ मैनेज कर लेगा। तो कौन सब कुछ मैनेज कर लेगा, नानू काका, ठीक है ना। मनोहर माल गावंकर की माँ ने समझाया कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो नानू काका सब कुछ मैनेज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका को कितने, माने नानू काका मतलब ये कि कितने दिनों के लिए वो जो है रहने के लिए आए थे। तो वो तो बोले थे कि मैं बस 2 और 3 डेज, 2 से 3 दिनों में यहाँ से गायब हो जाऊँगा, चला जाऊँगा, 2-3 दिन के लिए आए थे। लेकिन लेखक ने उसी समय सोच लिया था कि कहीं मंत्री 2-3 दिन में भेंट होते हैं क्या, तो ये मतलब लंबा प्लानिंग है इनका। तो नानू काका ऐसे 2-3 दिनों के लिए आए थे। इसके बाद है नानू काका वाज अ वेरी, कितने कैसे व्यक्ति थे नानू काका, तो बहुत ही क्लेवर व्यक्ति थे, ठीक है, बहुत ही क्लेवर व्यक्ति थे। नेक्स्ट है नानू काका का जो चौफर था, चौफर का मतलब होता है जो उनका चालक था, जो गाड़ी चलाने वाला था, ड्राइवर कौन था नानू काका का, तो ड्राइवर कोई और नहीं था, ड्राइवर बनाया था उन्होंने मनोहर माल गावंकर, मतलब जो लेखक है वही ड्राइवर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ, मतलब जो ये पिंच ऑफ स्नफ है ये क्या है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, क्या है ये, एक शॉर्ट स्टोरी है, ओके, छोटी सी कहानी है। नेक्स्ट है अ पिंच ऑफ स्नफ इज एन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, मतलब ये पिंच ऑफ स्नफ जो हमारी छोटी सी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये नानू काका का कैरेक्टर स्केच है, ठीक है ना, नानू काका का ही डिटेल कैरेक्टर स्केच है, मतलब एक व्यक्ति है उसी के जीवन के बारे में, एक छोटी सी घटना के बारे में इसमें डिटेल किया गया, बाकी कुछ थोड़े है। तो ये जो है डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए।